साउथ और बॉलीवुड के कई ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी बॉडी जिंदगी में भी देखने को नहीं मिली, इन फिल्मों में उनकी तगड़ी बॉडी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, फिल्मों में कई बार एक्टर के नकली सिक्स पैक दिखाए जाते हैं। अब एक्टर को रियल में देखते हैं तो वह काफ़ी अलग ही दिखते हैं। इतना ही नहीं, फिल्मों में कई बार एक्टर का हम शक्ल भी दिखाया जाता है। आजकल बॉलीवुड में एक्शन का ट्रेंड है जिसके चलते गड्डियों को हवा में उछाला जाता है। पिछले ही दिनों रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर डाली है, जिसमें एक से बढ़कर एक एक्शन सीन दिखाए जाते हैं। लेकिन क्या इस फिल्म में शाहरुख खान की बॉडी रियल थी? तो इसका जवाब है नहीं, यह सब VFX का कमाल था। आपको बता दें कि किसी जवान को अपनी बॉडी दिखानी होती है तो VFX का सहारा लेते हैं, जिसके बाद उनके लुक बदल कर अलग हो जाते हैं। सलमान खान जब भी दिखाई देते हैं तो उनका निकला पेट साफ दिखाई देता है, लेकिन जब सलमान को फिल्मों में देखा जाता है तो न उनका पेट बाहर दिखता है बल्कि वह उनके सिक्स पैक दिखाई जाते हैं, जो कि दिखने में असली लगते हैं, जो कि वह VFX और एडिटिंग का कमाल होता है। कई सारी गड्डियों में हकीकत में ब्लास्ट की जाती है, लेकिन मौजूदा तौर में लोग नकली गड्डियों को जलाते हैं जिसके बाद एडिटिंग होता है तो वह बिल्कुल असली दिखाई देती है। जब गड्डियों को जलाना होता है तब इसमें मोमबत्ती जलाई जाती है। ऐसे फिल्म निर्माता हमें उल्लू बनाते हैं। फिल्म में कई सारे सुपरस्टार हेलीकॉप्टर से लटकते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस सीन को फिल्म में किस तरह शूट किया जाता है? आपको बता दें कि जिस हेलीकॉप्टर में क्रिश को लटकते हुए देखा गया था वह कोई भी असली हेलीकॉप्टर नहीं था, बल्कि उसे ग्रीन स्क्रीन और क्रोमा की मदद से शूट किया गया था। इसके साथ ही कोई एक्टर कुंडों की धुलाई करता है तब भी इसे एक केबल से बांधा जाता है, और जब भी कोई एक्टर उन्हें पंच या किक मारता है तो उन्हें केबल की मदद से हवा में उछाला जाता है। ऐसी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।